तो आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे गेम जो कि माइनक्राफ्ट जैसे है या फिर लगभग माइनक्राफ्ट ही है, और क्योंकि माइनक्राफ्ट पेड है और ये सारे गेम जितने भी बताऊंगा वो फ्री होंगे, और मैं आपको वो बताऊंगा। ये उनके लिए है जिनके फ़ोन में 1-2 GB की स्टोरेज नहीं है और रैम भी नहीं है, मतलब जिनका फोन कम काम करता है, या फिर कुछ भी कुछ तो अलकसी है कि माइनक्राफ्ट कैसे डाउनलोड करूँगा, झंझट बहुत है। तो फ्री वर्जन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है माइनक्राफ्ट का, बट पहले ये सुन लो, जो भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है वो ज़रूर देखे ये वाली वीडियो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बकवास अभी चलती रहेगी, और मेरे को डिस्कॉर्ड पे भी वो कर लेना, क्या बोलते थे, मतलब डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर, और बेल आइकन और सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी जरूरी है। तो चलो चलते हैं। पहला गेम है लोकी क्राफ्ट। तो लोकी क्राफ्ट तो सब जानते हैं, लोकी क्राफ्ट तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल गेम है और मतलब बहुत जल्दी चल जाता है, जो लो एंड डिवाइस है उसमें भी बहुत बढ़िया चलता है ये, मतलब लो एंड डिवाइस में माइनक्राफ्ट चल जाता है बट थोड़ा सा लैग करता है शायद, और लगभग ये माइनक्राफ्ट जैसा ही है। और देखो बट जो टेक्सचर्स है ना उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, इसमें बार बार ऐड आती है, उसमें माइनक्राफ्ट में ऐड नहीं आती, मतलब लगभग वैसा ही है। बट आप अगर माइनक्राफ्ट को डाउनलोड नहीं करना चाहते तो इसे डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ 50 to 60 MB का गेम है, और इस बिल्कुल वैसे ही वो मिलेंगे आपको, एक्सपीरियंस वैसा ही होगा। तो देखो ये ही बिल्कुल वैसे ही है, और थोड़े बहुत इसके रूल्स भी वैसे ही है, मतलब रूल्स मतलब वैसा ही होता है, या इसमें मतलब क्राफ्टिंग भी सेम ही है। तो चलो अब आते हैं अपने दूसरे गेम की तरफ जिसका नाम है टेलुरियन मोबाइल या फिर रियल मोबाइल, मतलब ये तो कंपनी थी जो मैंने पहले बोली ये वाली, और मतलब इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, मिक्सअप कर देता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा अलग गेम है, ये बहुत ज़्यादा अलग गेम है क्योंकि इसमें एग वगैरह भी होते हैं शायद, क्योंकि मैंने एक बार ही खेला है सिर्फ आपको बताने के लिए, और इसमें सारे वो भी अलग अलग हैं, मतलब जैसे आप सर्वाइवल को उसमें चेंज नहीं कर सकते क्रिएटिव में, और क्रिएटिव को सर्वाइवल में चेंज नहीं कर सकते, और ग्राफिक्स लगभग वैसे ही हैं, लोकी क्राफ्ट थोड़े कम और माइनक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा। बट हाँ ये गेम भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये भी 100 MB के उसमें ही आता है, और इसमें ना थोड़े बहुत पिग भी वैसे ही है, गाय भी वैसे ही है जो रियल लाइफ में होती है, और इसमें मतलब वो भी है, क्या बोलते थे, पक्षी भी है, और माइनक्राफ्ट और लोकी क्राफ्ट में दोनों ही नहीं है, दोनों में ही नहीं है। तो भाई यार बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम लगा मेरे को भी ये देखने में, अब मैंने खेला तो है नहीं, मतलब अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, जिसे खेलना होगा वो लोकी क्राफ्ट भी खेल लेगा माइनक्राफ्ट भी। चलो अब चलते दूसरे गेम पे। अरे चलो हाँ माइकी क्राफ्ट, तो इसकी मैंने पहली वीडियो जो थी वो माइकी क्राफ्ट की डाली थी, भाई बहुत बढ़िया गेम है, एक दो सेटिंग और है इसकी आप देख सकते हो, बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसा गेम बन जाता है। उसके बाद आप सेटिंग पे जाके चेक कर लेना, ठीक है, आप जैसे ही जाओगे, इतना बढ़िया गेम है ये। देखो आपको ना वर्ल्ड बना के दिखाता हूँ, और भाई मतलब पहले तो इसके ग्राफिक्स बहुत घटिया होते हैं बट सेटिंग करने के बाद बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं, मैंने स्टार्टिंग ही इसी गेम से करी थी, और एड्स भी इसमें कमी आती है, मतलब जैसे कि आप स्टार्ट करोगे और एग्जिट करोगे जब ही आएगी।
भाई अभी इसके ग्राफिक्स कैसे हैं, और एक सेटिंग करते ही मतलब आप सेटिंग पे जाके चेक कर सकते हो, और आप यूट्यूब पे भी रिसर्च कर सकते हो। आपको लिखना है कि हाउ टू चेंज माइनक्राफ्ट टू माइनक्राफ्ट, तो अपने आप हो जाएगा, और कर लेना, बहुत बढ़िया गेम है ये भी। मतलब अगर आप वो वाली सेटिंग में कर लोगे तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। देखो भाई बिल्कुल वैसी वीडियो है, मतलब वैसे ही ग्राफिक्स हैं, थोड़े बहुत अगर आप वो कर लोगे तो और भी हो जाएंगे। तो भाई हाँ बढ़िया गेम है ये भी, यूनिटी ने बना रखा है गेम। तो चलते हैं अभी अगली वीडियो पे, मतलब अगले गेम पे। तो अगला है CAB कैब, तो ये भी लगभग माइनक्राफ्ट जैसा ही है, इसका इंटरफेस भी वैसा ही है, और इसमें भी आप वो आई वाली सेटिंग अप्लाई करके इसे भी माइनक्राफ्ट जैसा बना सकते हो, और इसमें भी उसी टाइम पे ऐड आती है जो माइनक्राफ्ट पे आती है। देखो भाई सेम ग्राफिक्स है बिना वो सेटिंग अप्लाई करे हुए, बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसे। और देखो भाई इसमें वाटर का कलर भी वही है, पिग भी वैसे ही है, मतलब एक तरह से कॉपी बनाया हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है यूनिटी के ही गेम है दोनों। तो चलते अभी अगली गेम की तरफ। तो अगला है प्लेंटी, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, बट हाँ इसे भी मैंने ज़्यादा देर तक नहीं खेला, तो ये भी बढ़िया ही होगा, तो देखते हैं आपके साथ में ही। तो इसमें भी वही है, इसमें है मल्टीप्लेयर सर्वाइवल और कुछ अदर गेम्स भी है, इसे भी खेलने में बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी तो हमने सर्वाइवल ही चलाया है मल्टीप्लेयर, तो ये तो वो हो गया, क्या बोलते हैं अपना स्काई ब्लॉक हाई पिक्सल लग रहा है मेरे को, क्योंकि तो ये एक तरह से सर्वर है इसका, और लगभग ये वैसा ही है जो दूसरा गेम था हमारा। देखो भाई इसमें भी वैसे ही प्लेस करने पड़ेंगे, मतलब जो साइन आ रहा है कि ब्लॉक्स यहाँ प्लेस कर सकते हो आप। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।